न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के इस दौर में न केवल आम व्यवसायी बल्कि सब्जी विक्रेताओं के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और मंडी में सालों से फड़ लगाकर अपने परिवार का गुजारा चला रहे इन सब्जी विक्रेताओं के सामने भूखा मरने तक की नौबत आ गई है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि यह कहना है खुद इन सब्जी विक्रेताओं का, जिसे लेकर आज इनका गुस्सा फूट पड़ा और इन्होंने पुरानी मंडी में ही मीटिंग कर प्रशासन को चेतावनी दे डाली कि अगर जल्द ही प्रशासन ने उन्हें लाइसेंस जारी करते हुए सब्जी बेचने की इजाजत नहीं दी तो वे अपने बीवी बच्चों सहित सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी के नाईवाली चौक स्थित सब्जी मंडी की, जहां पिछले कई सालों से करीब 300 लोग जमीन पर फड़ लगाकर अपने परिवार का गुजारा चला रहे थे। गत 1 मई को कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होती देख प्रशासन द्वारा शहर के बावल रोड स्थित सब्जी मंडी में इसे शिफ्ट कर दिया गया और इस सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। यहां खास बात यह है कि नई मंडी में केवल उन्हीं आढ़तियों को सब्जी बेचने की इजाजत मिली जिन्होंने पहले से कागजी कार्रवाई पूरी की हुई थी। ऐसे में इन फुटकर विक्रेताओं के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। इन लोगों की माने तो नई मंडी में सब्जी बेचने को लेकर वे प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं। उनका कहना है कि वे लाइसेंस लेने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन है कि बार बार चक्कर काटने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में अब सड़कों पर उतरने के अलावा उनके सामने कोई चारा बचा नहीं है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन लोगों के लिए क्या कुछ कदम उठाता है या फिर बेरोजगारी की मार झेल रहे इन लोगों को सड़कों पर उतरने को विवश होना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। हम नाई वाली सब्जी मंडी के रिटेलर दुकानदार, जिसमें छोटी दुकान वाले, फड़ वाले और नीचे दुकान लगाने वाले और सब्जी मंडी के बाहर रेडी लगाने वाले लगभग 125 या 130 के लगभग दुकानदार हैं, जिसमें टोटल 300 या 400 परिवार होता है। पिछले 60 दिनों से हमें कोई रोजगार नहीं है, ना तो हमें पुरानी सब्जी मंडी में दुकान लगाने दी जा रही है, ना नई सब्जी मंडी में दुकान बिठवाड़ा रोड वाली दुकान पे सब्जी मंडी लगाने की इजाज़त दी जा रही है। हम प्रशासन से, सेक्रेटरी साहब से 7 बार मिल चुके हैं, SDM साहब से 2 बार मिल चुके हैं, DC साहब से 1 बार मिल चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 15 दिन बाद कुछ होगा लॉकडाउन के बाद। इस टाइम हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है, कहीं पर भी दुकान लगाने की जगह नहीं दी जा रही है। फैसला लिया है कि हम सब एकत्रित इकट्ठे होके सब रेडी वालों को, बस स्टैंड वालों को, रेलवे स्टेशन वालों को, सारे शहर के रेडी वालों को बुला के अपनी एक मीटिंग करेंगे, उसमें आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। अगर प्रशासन हमें जगह नहीं देंगे तो हम अपना आगे का जो है रूपरेखा तैयार करेंगे कि हम धरना देंगे या अपने रोजी रोटी के लिए कोई भी अपना कार्य करेंगे। मैं सेठी साहब की बात भी गया कि मुझे थोड़ी सी जगह इजाजत दी जाए, जिससे कि मैं अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर दूं। तो मैं आपकी जगह लेके भाग नहीं रहा, आप जब कहोगे मैं खाली कर दूंगा। और मेरे पैकार भाई, मैं इनका भूतपूर्व प्रधान हूँ, मेरे घर पर बेचारे 10-10 दफ़ा जाते हैं कि प्रधान जी हमारी भी कोई सुनवाई करवाओ, हमारी भी कोई सुनवाई कराओ। मैंने कहा मेरी सुनवाई नहीं होनी तो आप क्या कराऊँ। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेरे को साथ दिया, इकट्ठा करा, आज मैंने इनको बुलवाया, मेरे साथ आए बेचारे। 200 आदमी इस टाइम मेरे पास बैठे हैं, लाइसेंस वाले 25 आदमी इस टाइम मेरे पास बैठे हैं जी, उनके पास 25 आदमियों का लाइसेंस है, 40, लेकिन जिसके बाप का नाम था बाप मर गया, बेटे का नाम फिर वो चढ़ाते नहीं है जी। क्या प्रॉपर्टी बाप के नाम होती है तो बेटे का नाम नहीं हो सकती जी। तो ये सरकार कहती है बाप मर गया हम लाइसेंस आपका नहीं बढ़ाते, ये क्या वजह है? तो लॉकडाउन से आई है, लॉकडाउन का साथ हमने आज 60 दिन हो गए, पूरा साथ दे रखा है मोदी जी का, खट्टर साहब जी का, अपने सेक्रेटरी साहब का, DC साहब का, जितने भी अफसर हैं, आज तक हमारी कोई शिकायत नहीं हुई, हमने कोई इसका उल्लंघन नहीं करा। लेकिन इन्होंने 8 दफ़ा सेक्रेटरी पास होके हैं, DC साहब के पास होके हैं, झूठा आश्वासन तो दे दिया कि आपको हम जगह देंगे। अरे कब दोगे? जब हम भर देंगे उसके बाद दोगे, उसका क्या करेंगे हम? ये है हमारा, नहीं होगा तो हम आगे सड़क पर उतरेंगे। मैंने तो अभी
मीटिंग में ये भी रखा है कि अपने बच्चों को भी साथ लाओ, अपनी बीबियों को भी साथ लाओ, सड़क पे उतरो, जो भी प्रशासन सुनेगा, नहीं तो ये नहीं सुनेगा। मीटिंग ये इसलिए की है जी, हमें 2 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए, अपने घर पे बैठे हैं, कोई कामकाज नहीं है, खर्चा वर्चा सब खत्म हो चुका है, यहाँ तक है कि हम दोबारा इतने पैसे नहीं है कि हम अपना धंधा भी चालू कर सकें, ऐसे में हम कहाँ जाएं। और जो लोग, कोई रेहड़ी वाला गोलगप्पे की लगा रहा था, कोई हलवाई है, कोई नौकरी पेशे वाला है, कोई जॉब करते हैं कंपनियों में, कोई टम्पू वाला है, कोई और तो है क्या कार वाला है, वो लोग सब्जी बेच रहे हैं, कपड़े वाले सब्जी बेच रहे हैं, हलवाई बेच रहे हैं, दुकानदार बेच रहे हैं, और हम अपने घर पे बैठे हैं। क्या संकट गया था आपके सामने? संकट यही है कि हमारा जब काम ही नहीं हो रहा, हम दुकान ही नहीं लगा रहे, तो खाने को कहाँ से आएगा? संकट तो ये है। अगर सरकार इजाजत दे तो सरकार इजाजत देंगे तो हम अपना दुकान लगाएंगे, हमारी रोजी रोटी निकल जाएगी। नहीं दिखाएगा तो हम बिल्कुल रोड पे खड़े, क्या करें हमें इस ऐसी हालत।